कोरोना संक्रमण के केस बिहार में एक बार फिर से बढ़े हैं, लेकिन राज्य में कोरोना को लेकर बेपरवाही की तस्वीरें अभी भी देखने को मिल रही है। नेशनल न्यूज की टीम ने राजधानी पटना में स्थित IGIMS का जायजा लिया, जहां कोरोना के लेकर गंभीर लापरवाही देखने को मिली। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। हमारी टीम ने कोरोना को लेकर IGIMS की तैयारियों का जायजा ले रही थी, जिस पर सबसे पहले नजर पड़ी अस्पताल के गेट पर, जहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली। लोग बेहिचक अंदर बाहर आते जाते रहे, कुछ ने मास्क लगा रखे थे, तो वहीं ऐसे लोग की संख्या भी खूब दिखी जो बगैर किसी एहतियात के अस्पताल परिसर में आना जाना कर रहे थे। उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। अस्पताल के अंदर भी वही हालात देखने को मिला। जांच के लिए लगे लंबी कतारों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को तो भूल ही गए। वहीं प्रबंधन ने भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए कोई तैयारी नहीं की। इसके बाद हमने अस्पताल के अंदर प्रवेश किया तो पाया कि गंभीर कोरोना मरीज लावारिस हालत में यूं ही पड़े हैं, जिन्हें देखने के लिए ना ही कोई डॉक्टर है और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मचारी। जबकि गुरुवार को ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अस्पताल में 50 बेडों वाले कोविड वार्ड का उद्घाटन किया। दूसरी तरफ अस्पताल के डायरेक्टर ने कोरोना संक्रमितों के बेहतर व्यवस्था और समुचित इलाज होने का दावा किया। ऐसा कि सब आप जानते हैं, प्रायोरिटीज होनी चाहिए, जिसकी जान जा रही है उसको बचाना, और इसके लिए सबसे जरूरी कि ICU की व्यवस्था होनी चाहिए। तो मेरा जो संस्थान में इमरजेंसी था, जिसमें हमारे 45 बेड थे, 30 बेड ICU के थे और 15 बेड हमारे HDUs के थे, तो प्रायोरिटीज में पहले मैंने इनको रेडी किया है और वो आज से ही लोगों के लिए समर्पित है, ताकि लोगों को ICU के लिए दर दर ठोकर नहीं खाना पड़े, बाहर में पैसे नहीं लूटना पड़े और सस्ते दर पे सबसे कम उम्र लोग को इलाज हो सके। और सबसे जरूरी है कि कंबाइंड इलाज, जैसे हमारे यहाँ एक छत के नीचे वो चाहे वो किडनी के पेशेंट हो, चाहे वो लिवर के पेशेंट हो, चाहे वो दमे के पेशेंट हो, किसी तरह के मरीज हो और वो कोविड से भी पीड़ित हो, उन सब का इलाज एक छत के नीचे सस्ते दर पे हम ही लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने डेडिकेट कर दिया अपने ICU को, मेरी पूरी टीम तैयार है, मेरे पूरे डॉक्टर्स तैयार हैं और हम लोग ऐसे मरीजों को पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं जिनकी जान बचाई जा सके। एक तरफ कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बिहार में त्राहिमाम मचा है, लोग हर दिन अपनी जान गंवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सूबे के अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज की जगह कोरोना वायरस के पनाहगाह बने हुए हैं, जिससे एक गंभीर खतरा बना हुआ है। वहीं कोरोना के मरीजों के इलाज में बरती गई लापरवाही से जान जाने का जोखिम भी बना हुआ है। नेशन न्यूज के लिए उत्कर्ष की रिपोर्ट।